सब्सक्राइब कीजिए रेखा अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज मैं आपको गोंद के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। ये गोंद के लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं और न्यू मॉम्स के लिए भी ये लड्डू हम बनाते हैं। इसको गोंद के या पंजीरी के लड्डू बोलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। इसके लिए मैंने ये आधा किलो देसी घी गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और ये पौना किलो मैंने खांड ले ली है, बूरा खांड या बूरा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पौना किलो ले ली है। इसमें हम 400 ग्राम गोंद डालेंगे। तो पहले गोंद को सेक लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, गोंद को थोड़ा डाल के देखेंगे इसमें और जब गोंद को सेकेंगे तो आँच को मीडियम कर देंगे ताकि गोंद हमारा अंदर तक सिक जाए। ये गोंद हमारा ऊपर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फैला के डाल देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से एक दो मिनट तक सेकेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। तो ये ब्राउन हो गया है, इसको निकाल देंगे। ये पौना किलो मैंने बूरा ले लिया है, इसमें हम गोंद को निकाल देंगे। पहले हम गोंद सेकेंगे, उसके बाद हम आटा सेकेंगे। गोंद हमारा सिक गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। सारा गोंद हम इस बूरा में निकाल लेंगे। हम ये एक किलो आटे के लड्डू बनाएंगे तो उसी हिसाब से मैं सामान डाल रही हूँ। तो इसमें 400 ग्राम के करीब गोंद डाल देंगे और पौना किलो बूरा डल जाएगी। ये पौना किलो बूरा परफेक्ट मीठा है, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। गोंद को मीडियम आंच पे सेकेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। अगर हम तेज आंच पर सेक लेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। गोंद को सेकने में हमारा सारा आधा किलो घी लग गया है, तो मैंने 400 ग्राम गोंद सेक लिया है। तो अब गोंद को हम ये इस प्रकार का कोई लोटा ले लेंगे और इससे गोंद को इस तरह से मसल लेंगे। थोड़ा गोंद बारीकी है तो थोड़ा थोड़ा मसल लेंगे। तो अब कढ़ाई को साफ कर लेंगे और फिर से इसमें घी चढ़ाएंगे और आटा सेकेंगे। ये मैंने 400 ग्राम घी चढ़ा दिया है तो इसमें मैं एक किलो आटा डाल दूंगी। थोड़ा घी और डाल देंगे। इस गोंद में मैंने पूरा एक किलो घी डाल दिया टोटल मिला के। तो अब इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे आटे को ब्राउन होने तक। जब आटा सिक जाएगा तो इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इससे इसको 8 से 10 मिनट तक सेकेंगे। अगर आपको घी कम लगता है तो आप और डाल सकते हैं। आटा हमारा सिक गया है, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको 1 मिनट और सेकेंगे। तो इसमें हम ये 1 कटोरी काजू डाल देंगे कटे हुए, 1 कटोरी बादाम डाल देंगे, 1 कटोरी किशमिश डाल देंगे और आटे के साथ इनको सेक लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारे सिक जाए।
आटा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है और इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे। कढ़ाई गर्म है, अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे का आटा हमारा जल जाएगा। पंजीरी हमारी बन गई है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये जो आटा सेका था ये ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम ये गूंद और बूरा मिला देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नारियल और मखाने भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। गोंद हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें मैंने 1 किलो आटा डाला है, 1.25 किलो मैंने इसमें बूरा डाली है और 1 किलो मैंने इसमें घी डाला है और 0.5 किलो के करीब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा 3.5 किलो के करीब गोंद बन गया है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इसके थोड़े गरम गरम के लड्डू बनाएंगे तो अच्छी तरह से बन जाएंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप लड्डू बना लें। और इनको हम सुबह नाश्ते में दूध के साथ ले सकते हैं। और जिनको अपना वजन बढ़ाना है वो एक लड्डू रात को सोते समय दूध के साथ खाकर सो जाएं, तो इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए गोंद के लड्डू हमारे सारे बन गए हैं। इसी तरह से आप भी अपने घर पर सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।